Good morning, students. In our last class, we have completed the refracting telescope, right? Today, we are going to study the reflecting telescope. What do we mean by reflecting telescope? Reflecting telescope is that telescope जो कि reflection से image बनाता है, right? और हमको पता है reflection से image कौन बनाता है? Mirror. So, in reflecting telescope, we basically use mirror to get the final image of the object. So, हमको पता है हमको दो चीजों की requirement होती है, objective और eyepiece. तो reflecting telescope में हम as a objective एक parabolic mirror को use करते हैं, ठीक है? This is a parabolic mirror जिसकी जिसका aperture बहुत ज़्यादा होता है, okay? Let the name of this mirror is C. और since इसका aperture बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे मतलब उससे काफी दूरी पर यहाँ पर आ गया उसका focus. और ये parabolic mirror को इस तरह का parabolic mirror लिया जाता है जिसमें यहाँ बीच में होल हो ताकि जो लाइट रे है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो सके. सो दिस पैराबोलिक मिरर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव मिरर. इसका मतलब ऑब्जेक्ट के टुवर्ड ये मिरर रखा जाता है विच इज अ कॉनकेव पैराबोलिक मिरर, ओके? और एज अ आईपीस यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज एज अ आईपीस लेंस, ओके? कॉन्वेक्स को हम एज अ आईपीस लेंस यूज करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? अच्छा, इसके अलावा एक कॉनकेव लेंस को और यूज किया जाता है लाइट रेस की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, या लाइट रेस को प्रॉपर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं, ओके? नाउ अच्छा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, ओके? वी आर स्टडिंग कैसे ग्रेन टेलीस्कोप. नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली टेलीस्कोप से हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो कि हमसे बहुत दूर है, मतलब विचार एट इंफिनिटी फ्रॉम अस. सो लेट अ राइट लाइट रे विल इंसिडेंट फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? नाउ लेट दिस बी द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ ऑब्वियसली जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे आती है. सो द लाइट रे विल मूव लाइक दिस, और ये मिरर से टकरा गई. अगर ये मिरर यहां नहीं होता तो ये सीधे फोकस पे आती, राइट? सिमिलरली यहां से भी एक लाइट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो भी कुछ इस तरह से जाएगी कि अगर ये मिरर यहां नहीं होता तो वो सीधे फोकस पे आके मिलती, राइट? नाउ बट एक्चुअल में वो मिरर वहां पर है. तो अब वो मिरर वहां पर है तो वो ऑब्वियसली लाइट के पाथ को चेंज करने की कोशिश करेगा, मतलब ऑब्वियसली लाइट रे जब इस मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी. तो यहां से जब लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड इट विल गो लाइक दिस. नाउ सिंस जब ये लाइट रेज इस कॉन्वेक्स लेंस तक पहुंचती है, तो सिंस द कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, सो वो ऑब्वियसली लाइट रेज को क्या करता है, इस तरीके से कन्वर्ज करके इंसिडेंट करवाता है. और चूंकि आप यहां से देख रहे हो, दिस इज द आईपीस, है ना, तो आप यहां से देख रहे हो, तो जब लाइट रेज आपकी आंखों तक जाएंगी तो ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखने लग जाएगा, राइट? सो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका रिफ्लेक्टिंग दैट इज द कैसेग्रेन टेलीस्कोप, जिसमें हम एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर को एज एन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, और एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी फ्यू फोकल लेंथ उसको हम एज एन आईपीस लेंस यूज करते हैं. और जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इस तरीके से जो लाइट रे है वो मल्टीपल या दो टाइम रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, और जैसे ही लाइट रे हमारी आंखों के रेटिना पे पहुंचेगी
तो हमको वो ऑब्जेक्ट विजुअलाइज हो जाएगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली द वे इन विच द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दैट इज द कैसेग्रेन टेलीस्कोप वर्क्स. ओके, नाउ यहाँ पे आपको इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. इसका मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई, दैट इज इट इज माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन में एफ ई, वेयर एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब इस मिरर की फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब जितनी ज्यादा इसकी फोकल लेंथ होगी उतना ज्यादा हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा. इसीलिए हम पैराबोलिक मिरर यहाँ यूज करते हैं क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है. एंड एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकस ऑफ आईपीस लेंस, दैट इज जितनी कम इस आईपीस लेंस की फोकल लेंथ होगी उतना ज्यादा आपको मैग्निफाइड इमेज मिलेगी. ओके, सो दिस इज द कैसेग्रेन टेलीस्कोप जिसका मैग्निफाइंग पावर होता है F is equal to minus FO upon FE, where FO is the focal length of objective mirror and FE is the focal length of eyepiece lens. अब similarly एक second type का reflecting telescope होता है, that is Newtonian telescope, right? Newtonian telescope is also a type of reflecting telescope because it gives us the image by the reflection of light. The second one is Newtonian telescope. It also gives us the image by the reflection of light. The difference between the only difference between the Cassegrain telescope and the Newtonian telescope is that वहां पर हम reflection के लिए एक parabolic mirror को use कर रहे थे, और यहां पर हमको पैराबोलिक मिरर यूज नहीं करते हुए हम एक प्लेन मिरर यूज करेंगे. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. इसमें भी हमने क्या किया, एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर लिया जिसमें बीच में से होल कर दिया. लेट द नेम ऑफ द मिरर बी सी, राइट? वहां पर हमने ऑब्वियसली इसकी फोकस, उसका फोकस आ गया यहां पे. नाउ स्टूडेंट्स, वहां पर हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया था फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर नहीं लेते हुए एक प्लेन मिरर ले लेंगे जिसको हमने 45 डिग्री के एंगल पे सस्पेंड कर दिया है. ओके, हमने 45 डिग्री के एंगल पे इसको सस्पेंड कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छा यहाँ पर ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, राइट? ऑब्जेक्टिव मिरर, हमको इमेज को देखने के लिए ऑब्वियसली एक आईपीस की भी जरूरत होगी. तो यहाँ पे हमने एक एज एन आईपीस हम यूज करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस को, और यहां से हमको इसकी इमेज मिलती है. तो यहाँ पे आ गया आपका आईपीस लेंस. ओके, दिस इज द आईपीस लेंस. नाउ अब क्या होता है, कैसे वर्क करता है वो समझते हैं. A ray will incident parallel to the principal axis from infinity, right? After reflecting from this surface, it will incident. अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे क्या कहाँ चली जाती, फोकस पे, राइट? सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई, और अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये लाइट रे भी कहाँ चली जाती, सीधे फोकस पर. बट ऑब्वियसली ये मिरर इनके पाथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, और सिंस ये मिरर, अच्छा यहाँ पे हमको होल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे इमेज नीचे बन रही है, राइट? इसलिए यहाँ पे हमने होल वाला ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं लिया है. नाउ ऑब्वियसली सिंस ये जो प्लेन मिरर है ये इन दोनों लाइट रेज के पाथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, और लाइट रे यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट? और यहां इस पॉइंट पर चूंकि ये लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर आपको इसकी इमेज मिलेगी. लेकिन सिंस वो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर रखा हुआ है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. तो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया है, क्योंकि जब कॉन्वेक्स लेंस पर ये लाइट रेज पड़ेंगी
तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और आपको एक शार्प इमेज देगा. ओके, सो बेसिकली दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जो कि रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है. राइट, हमको यहाँ पे जो इमेज मिली है वो किसके कारण मिली है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. दैट इज वाई न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन विच वी यूज अ कॉनकेव पैराबोलिक मिरर ऑफ अ लार्जर फोकल लेंथ, एंड हियर वी आर यूजिंग अ प्लेन मिरर फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड एज एन ऑब्जेक्टिव हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई. राइट, इसका भी जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई. इट मीन्स दिस एम इज प्रपोर्शनल टू एफ ओ, दैट इज जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा ऑब्जेक्टिव का. राइट, मतलब जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर, और जितना कम फोकल लेंथ आईपीस की उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा आईपीस न्यूटोनियन टेलीस्कोप का. राइट, तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग, दैट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. राइट, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हमने पढ़े दो माइक्रोस्कोप, सिंपल और कंपाउंड. देन वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल एंड गैलीलियन. और टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एज वेल, दैट इज द कैसेग्रेन एंड न्यूटोनियन. राइट, सो हैंस अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ एक टॉपिक जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो, यहाँ पर आपको उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. दैट्स वाई जस्ट फॉर रिविजन पर्पज वी विल डिस्कस इट हियर. That is the defect of vision and their correction, right? Now the next topic that we are going to study is defects of vision and their correction. This topic you have already studied in class 10th, but for revision purpose we are doing it again here, okay? So जब भी हमको देखने में कुछ defects होते हैं, right? Obviously आपको पता है कि कुछ हमारे हमको कुछ चीजें clear नहीं दिखती हैं, right? मतलब कुछ लोगों को पास का clear नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दूर का क्लियर नहीं दिखता है. इसका मतलब क्या कि उनकी आंखों में कुछ डिफेक्ट्स हैं. तो व्हाट आर दोज डिफेक्ट्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दोज डिफेक्ट्स, एंड हाउ कैन वी करेक्ट दोज डिफेक्ट्स, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो फर्स्ट वन इज मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं. राइट, तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है, शॉर्ट मतलब छोटा और साइटेडनेस मतलब देखना. तो जब हमको पास की चीजें क्लियरली दिखें बट दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखें, है ना, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का तो क्लियरली दिखे लेकिन दूर का क्लियरली नहीं दिखे, तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया. राइट, समझते हैं कि मायोपिया में एक्चुअल में होता क्या है. तो नॉर्मल जो आई होती है, हमारी नॉर्मल आई कैसे बिहेव करती है हमको पता है, दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन आई. राइट, आपको पता है कि हमारी आंखों में एक लेंस होता है ना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है ओ, तो उस ओ से ये लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट होंगी इस कॉन्वेक्स लेंस पर. और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. राइट, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पर एक इमेज बनाएगा. राइट, और जब रेटिना पर ये इमेज बनती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजिबल हो जाता है. और यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक ये मैसेज लेकर जाती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने है, और इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमको मिलती है ओ डैश पर. राइट, बट मायोपिक आई में एक्चुअल में अगर किसी को मायोपिया हो गया है तो उस केस में क्या होता है, मायोपिक आई में होता क्या है, ड्यू टू सम डिफेक्ट्स ये जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है. राइट, और जो आईबॉल है उसका साइज भी चेंज हो जाता है, जिसके कारण एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट है ओ,
उससे ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स लेंस पर, तो जिस जिसकी इमेज यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए थी वो इमेज रेटिना पे नहीं बनते हुए लाइट रेज रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं और हमको इमेज मिलती है यहाँ पे ओ डैश, मतलब इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे बट बन रही है उसके पहले ही, दैट इज ओ डैश पर। तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया या मायोपिकाए, राइट। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमको इस डिफेक्ट को दूर करना है, तो डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, राइट। तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम कैसे स्पेक्स लगाते हैं, मतलब मायोपिया को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मायोपिया को दूर पर करने के लिए हम जो स्पेक्स पहनेंगे उसमें जो लेंस लगा होगा दैट लेंस शुड बी अ कॉनकेव लेंस, राइट। देखो लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, आपको उनको दूर लेके जाना है, दूर लेके जाना है इसका मतलब क्या, डाइवर्ज करना है, और डाइवर्ज करना है इसका मतलब क्या, हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि जब लाइट रेज इस डाइवर्जिंग लेंस पर इंसिडेंट हो, मान लीजिए ये कोई लाइट रेज इस तरीके से इस कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट हुई, अब ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को और ज्यादा डाइवर्ज कर देगा लाइक दिस, एंड दे विल इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस बाय फॉलोइंग दिस पाथ। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस ऑब्वियसली कॉन्वर्जिंग है, तो अब ये लाइट रेज को कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे। तो जो इमेज पहले आगे ही बन रही थी अब वो एक्चुअल में रेटिना, मतलब रेटिना पे ही बनेगी, और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारी मतलब इस तरीके से हम कॉनकेव लेंस का यूज करके ये जो डिफेक्ट है मायोपिया उसको ओवरकम कर सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखना और दूर का नहीं दिखना। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस की। तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में क्या होता है, ऑब्वियसली नॉर्मल आई का डायग्राम तो सेम रहेगा, है ना, नॉर्मल आई तो दोनों ही केसेस में नॉर्मली बिहेव करेगी। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में क्या होता है, जो लाइट रे हाइपर मेट्रोपिक आई में क्या होता है, दिस इज द ह्यूमन आई, राइट। ये हो गया आपका आई लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। नाउ हाइपर मेट्रोपिक आई में क्या होता है, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब हाइपर मेट्रोपिक आई में भी ये जो लेंस है आई बॉल है उसका शेप साइज चेंज हो जाता है, राइट। तो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस लेंस पर इंसिडेंट होती है तो इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, बट इमेज रेटिना पे नहीं बनते हुए रेटिना के पीछे बनती है, दैट इज एट पॉइंट ओ डैश, राइट। इसका मतलब जब इमेज रेटिना पे नहीं बने और रेटिना के पीछे बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, राइट। तो ऑब्वियसली जब इमेज करेक्ट पोजिशन पे नहीं बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली आपको ब्लर दिखेंगे। और अब अगर आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने हैं तो आपको इसको करेक्ट करना है, और करेक्ट कैसे करना है, जो रेस पीछे इंसिडेंट हो रही है हमको उनको पास में लेके आना है, पास में लेके आना है इसका मतलब क्या, कन्वर्ज करना है, और कन्वर्ज करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब क्या होगा, जब लाइट रेज इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हुई लाइक दिस, तो ये लाइट रेज को यहां से कन्वर्ज कर देगा, और अब लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट होंगी इस दूसरे लेंस पर, ये लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगी इस कॉन्वेक्स लेंस पर। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो लाइट रेज यहां पर जाके मिल रही थी अब वो बाहर जाके नहीं मिलते हुए रेटिना पे मिलेगी, और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है आपको उसकी एग्जैक्ट इमेज ओ डैश पर मिलेगी, मतलब रेटिना पे मिलेगी। और जब रेटिना पे आपको उसकी इमेज मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए
क्लियरली विजिबल रहेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज प्रेसबाइपिया। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज बेसिकली मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया, मतलब जब आपको दूर का भी क्लियरली नहीं दिखे और पास का भी क्लियरली नहीं दिखे तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। जनरली प्रेसबायोपिया इज ड्यू टू द एजेड इफेक्ट, राइट। मतलब जब जो एजेड लोग होते हैं उन्हीं को प्रेसबायोपिया होता है, राइट। सो प्रेसबायोपिया में हमको दूर का भी क्लियरली नहीं दिखता है और पास का भी क्लियरली नहीं दिखता है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। बायफोकल लेंस मतलब ऐसा लेंस जो ऊपर से कॉनकेव हो और नीचे से कॉन्वेक्स हो, मतलब इसमें दोनों टाइप के लेंसेस बने होते हैं, ऊपर कॉन्वेक्स और नीचे ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स। तो प्रेस बायोपिया इज ड्यू टू द एजेड इफेक्ट्स। ओके, सो वी हैव सीन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, लाइक व्हाट आर द थिंग्स जिनके कारण हमको चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं और हाउ कैन वी करेक्ट दोज डिफेक्ट्स। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।